सिलसिला चलता रहा काफ़ी अरसे तक, टिल आई रीच द पॉइंट जहाँ के मुझे एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक सवाल किया मुझसे एक दफ़ा। उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई अपनी रिवायती चीज़ पहननी, शादी हो रही है मेरी, ये आई थिंक 90s की बात है, मेरा तो बहुत लंबा सफ़र नहीं है जो क्वेस्ट में जिस पर चल पड़ा, जिसका मैं आपसे शेयर करूँगा। वो क्वेस्ट तकरीबन कोई 94-95 में शुरू हुई, तो इतनी पुरानी क्वेस्ट नहीं है। उस वक्त ये मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि भाई वो आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखते रहते हैं तो आप मुझे बताएं कि वो रिवायती लिबास क्या होगा। तो मैंने उनको वही सजेस्ट किया जो मुझे समझ में आया था कि भाई ज़ाहिर है वो ऐसे टेल कोट या वो जो हुलिया होता है, यू नो वाइट टाई एंड ब्लैक टाई, वो हमें ये पता था कि ब्लैक टाई बड़ा फॉर्मल ड्रेस होता है और वो उसमें ट्राउजर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रोटोकॉल है, वाइट सॉक्स तो आप नहीं पहन सकते। तो ये मैंने कोई, उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, मुझे अपना रिवायती लिबास चाहिए। उन्होंने कहा अपना रिवायती लिबास, और फिर मैं ज़रा सोच में पड़ा, मैंने कहा कि इसका मतलब है कि कोई अपना भी रिवायती लिबास के सोचने अलग से, तो अपना रिवायती अच्छा वो शादियों में जो वो पहनते हैं अचकन वगैरह, तो वो मुझे ये मेरा ये ख्याल था कि हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि शायद पहले वो जो मुग़ल बादशाह पहनते थे तो शायद उनको ज़रा सा अपने आप को ज़रा रॉयल फील करना चाहते हैं पुराने ज़माने के लिए, लेकिन उसमें मुझे कोई अपनी जिसे कहते हैं ना ट्रेडिशन या रिवायत या पहचान या कोई ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं थे मेरे पास, कम अज़ कम नहीं थे। मैं ज़ाहिर है आपसे अपना पर्सपेक्टिव भी शेयर करने आया हूँ, एंड आई डू नॉट थिंक के आई कैन सेफली टॉक अबाउट जो बाकी 18 मिलियन लोग हैं, लेकिन आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग शायद इन स्टेज से ज़रूर गुजरे होंगे जिनसे मैं गुजरा हूँ। और उन्होंने कहा नहीं भाई ये मुझे अपना चाहिए, इतने हमारे मुख्तलिफ लिबास हैं बड़े शरीर से, तो मुझे भी अपनी चीज़ आप बताएं, मेरा जो कबीला है उसके मुताबिक। अब ये एक अजीब सा सवाल था और मेरे लिए बड़ा इररेलीवेंट भी था कि मतलब इसकी क्या ज़रूरत है, जज्बाती हो गई है, पुरानी कोई 500 साल पहले ही जाएंगे तो वही लगेगा कि समवन आउट ऑफ अ हिस्ट्री बुक, तो उसकी वही ज़रूरत नहीं है, आप क्यों जज्बाती हो। उन्होंने कहा नहीं भाई आपसे आप गायब हो गए। अब मैं जब हिस्ट्री में घुसा हूँ तो मुझे एकदम से एक पूरी दुनिया जैसे कहते हैं ना वो मेरे सामने एक अलग ही डायमेंशन आ गई, और हिस्ट्री मेरे लिए बहुत इट वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट आफ्टर डूइंग दैट, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा हुआ जो कि पहले नहीं था कि हिस्ट्री सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है कि अकबर बादशाह कब बने और वो हुमायूं कब हारे शेरशाह सूरी से, या ये कि कब क्या हुआ, सिर्फ हिस्ट्री ये नहीं है, हिस्ट्री में हर चीज़ थी, हिस्ट्री में अपनी पुरानी रिवायतें, अपनी तारीख, रिलीजन इस्लाम हिस्ट्री में था, मतलब हर चीज़ ही हिस्ट्री में थी, रहना सहना उठना बैठना ब्रिटिश का ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उससे फिर बहुत सारे चैनल्स मेरे लिए खुल गए जिनको मुझे एड्रेस करना पड़ा या कम अज़ कम इनकी तरफ सोचना पड़ा, जिसमें कंपैरेटिव रिलीजन भी आ गया, जिसमें ज़ाकिर नायक साहब भी तशरीफ़ ले आए कि जो मुझे रिलीजन की कॉमनैलिटीज़ और वो सारी चीज़ें भी हो गई, और फिर साथ साथ जो हिस्ट्री के हम पे इफ़ेक्ट से मुझे अंदाज़ा थोड़ा होना शुरू हुआ कि हम आज जो कुछ भी हैं उसमें वो सारी क्यूमुलेटिव हिस्ट्री जो है वो उसके असरात हमारी शख्सियत पे होते ही होते हैं, चाहे हम उन्हें पसंद करें या ना करें। मसलन एक मेरी नानी कहा करती थी बात के जो ये जो ग्रीक हुलिया होता है नीली आँखें और उस तरह के, तो वो मुझे कहती थी भाई ये लोग तो बड़े अनरिलायबल होते हैं और ये बड़े अजीब से लोग होते हैं, बल्कि नानी की कज़न थी मेरी, तो वो मैं सोचता था कि इतनी क्या बायस ऑफ रेसिज्म वाली बात है ये, मतलब कोई ऐसी बात है ये कि वो जो नीली आँखें और उस तरह के लोग हैं जो वो रिलायबल नहीं होते हैं, ये कितनी अजीब सी बात है। लेकिन पता ये चला मुझे तारीफ़ पढ़ के कि बहरहाल कोई ना कोई तारीफ़ का लिंक उसका था, जो मैं आपसे शेयर भी करूँगा थोड़ी देर में। लेकिन खैर किस्सा मुख्तसर ये, जब सारी डायमेंशन मैंने देखी तो फिर मैंने सोचना ये शुरू किया कि ये किस्सा है क्या, हम जैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर रोज़ हम उठते हैं सोते हैं खाते हैं पीते हैं, हम कर क्या रहे हैं। फिर डॉक्टर इसरार साहब के साथ मैं कुछ अर्सा रहा, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, उन्होंने ये बात की कि भाई ये ऐसे ही है, आखिरत का ख्याल ना होना या कोई डायरेक्शन ना होना ज़िंदगी में ऐसे ही है जैसे कि आप एक बहुत बड़े शिप पे हैं, जो ये होते हैं क्रूज़ शिप जो होते हैं उस पर आप हैं और आप उस पर बैठे हैं और आप वहाँ सिनेमा भी है, वहाँ स्विमिंग पूल भी है, वहाँ सब कुछ है, आपकी कंपनी भी है, दोस्त अहबाब भी हैं, आपकी बेगम भी साथ हैं। अब आप अगर ये समझ लें कि बस अब मैं इस शिप पे हूँ और यही ज़िंदगी है, आप ये ना सोचें कि आपने अब कहाँ जाना है, कहाँ आना है, क्या करना है,
अब बस वो फिल्म देख रहे हैं, रोज आपने फिल्म देखी, सिनेमा से निकले आप पूल में चले गए, पूल से निकले कहीं और चले गए, अपने आपने पैसों की कैलकुलेशन की कि मैं ये क्या क्या अफोर्ड कर सकता हूँ, वो आप खा रहे हैं पी रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कितनी ये हमाकत होगी अगर आप ये समझ बैठे कि वही शायद जो रॉयल क्रूजर पे आपकी ज़िंदगी गुजर रही है बस यही आपकी ज़िंदगी। तो अगर इसी तरह आपको शायद ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए कि आप इस वक्त एक क्रूज़ पे हैं, किसी के लिए वो क्रूज़ इतना लग्जूरियस नहीं है, किसी के लिए है, लेकिन बहरहाल आपको कुछ सोचने की जरूरत है कि सिनेमा तो आपने देख लिया, आपने बेगम से भी बात कर ली और बच्चों को भी देख लिया, लेकिन अब फिर कुछ और भी कहीं जाना होगा,